हाई गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ दीपा एंड आई रियली होप यू पीपल आर डूइंग वेल तो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में हम लोग सेल्फ केयर खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसे सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं सो so, उनमें से मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पढ़ना सिलेबस की बात नहीं कर रही आई एम सॉरी टीचर्स अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं सिलेबस की बात नहीं कर रही सिलेबस के बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट मेरे हिसाब से सिलेबस के बुक के अलावा भी एक दुनिया होती है जो हम सबको एक्सप्लोर करनी चाहिए जो कि मैक्सिमम लोग करते नहीं है बट मैं तो उसमें बहुत अच्छी हूँ मैं मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छा बनने के लिए फॉर मी यू नो रीडिंग इज़ लाइक इनहेलिंग एंड राइटिंग इज़ लाइक एक्जेलिंग बहुत ही छापा हुआ कोट है इंस्टाग्राम से बट नेवर माइंड तो Uh, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो ऑफ 2023 में कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई एम गोना शेयर ऑल द बुक्स दैट आई एम प्लानिंग टू रीड दिस ट्वेंटी ट्वेंटी सो वी आर गोइंग टू रीड 23 बुक्स इन 2023 साल बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे uh, वैसे वैसे बुक्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा होपफुली तब तक हम इतने इवॉल्व होते रहेंगे कि हम बुक्स uh, का वो जो मार्क होता है वो हम क्रैक कर पाएंगे लास्ट ईयर इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी मैं बट दिस ये आई एम प्लानिंग कि हम 2023 में एटलीस्ट 23 बुक्स खत्म करें विच इज ऑलमोस्ट एक महीने में दो बुक्स एंड एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा पहला बुक खत्म हो चुका है ऑफ 2023 ट्वेंटी आई एम शूटिंग दिस ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी ट्वेंटी एंड मेरा पहला बुक खत्म हो चुका है सो यू आई हैव अ फ्यू बुक्स विथ मी जो मेरे पास अभी जिनके जिनकी फिजिकल कॉपीज वगैरह हैं जिनकी कॉपीज फिजिकली नहीं है उन्हें मैं इधर ऑनलाइन में पढ़ूंगी या फिर आई अ बाई द मैं रीड तो इनमें से काफी सारी बुक्स मेरे पास हैं और कुछ बुक्स मेरे पास नहीं है तो पहले जितने हैं उनसे स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट बुक इज बाय रॉबिन शर्मा हु विल क्राई वेन यू डाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्स सेल्फ हेल्प बुक्स प्लस इनमें इसमें फिक्शन भी है नॉन फिक्शन भी है हॉरर सॉर्ट ऑफ बुक्स भी है जैसे कि आवर नेक्स्ट बुक इज़ गोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल्स मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि फ़िल्मों में तो हमने बहुत देखा है कैसे करते हैं कि लाइक हमें लगता है कि भूत सच में वहाँ पे है जबकि वो सब वेअपिक्स होता है तो कोशिश करने वाली हूँ मैं पढ़ने की और ये जानने की कि राइटर्स लोग ये कैसे करते हैं लाइक दिस कैन ऑल्सो बी ए हिंट बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है हम पहले ये कंसिडर करते हैं कि लाइक मैं जानना चाहती हूँ कि वो हॉरर एक्सपीरियंस ना बुक से कैसे आता है तो मैंने कभी हॉरर uh, बुक्स नहीं पढ़ा है सो आई एम गोना स्टार्ट रीडिंग हॉरर बुक्स फ्रॉम दिस ईयर अगर आप लोगों के पास कुछ अच्छे अच्छे हॉरर बुक्स के रिकमेंडेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे डीएम कर सकते हो एज यूजल जो कि आप लोग करते भी हो थैंक यू सो मच फॉर दैट द नेक्स्ट बुक इज प्राइड एंड प्रिजिश द नेक्स्ट बुक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर विलिंग आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट बट ये मर्चेंट ऑफिस जैसे होता नहीं है स्कूल uh, में आई सी आई सी बच्चों को पता होगा वो पढ़ाते हैं पढ़े हैं मर्चेंट ऑफियम सेक्सपियर वैसा लग रहा है मुझे एक्ट है एक्ट वन सीन एक्ट वन सीन टू वैसा कुछ है इसमें वी आर नो रीड इट नाइंड डेथ बाई सुरु मैंने आई बी ऑनेस्ट मैंने ये बुक पहले पढ़ना शुरू किया था किसी और साल आई थिंक इन ट्वेंटी ट्वेंटी बट आई रियलाइज आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द नॉलेज दैट दिस बुक वॉज प्रोवाइडिंग सो इस साल जब मैं उस प्रॉपर मेंटल स्पेस में रहूंगी कि हाँ मैं एक बुक पढ़ सकती हूँ ये बुक पढ़ने के लिए ना आपको रेडी होना पड़ेगा दिस बुक इज समथिंग एल्स ओनली ये एक है और द सप्टल एक्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फॉक वो बुक भी ऐसा है उसको मैंने पहले पढ़ने की कोशिश करी थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया सो आई स्टॉप नेक्स्ट टाइम जब मैंने एक फ्रेश माइंड से जब आई वॉज रेडी फॉर इट मैंने तब पढ़ा क्या बुक है अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है

दुनिया के सारे बुक्स तो मैं खरीद नहीं सकती और जितने भी रीडर्स हैं हम मोस्टली मैं यही करती हूँ दिस इज ऑल्सो नॉट माई बुक वाह सॉरी बेबी तेरा बुक मार्क निकल गया मैं कोशिश करूँगी लगाने का द मिड नाइट लाइब्रेरी ये मेरी बहन का बुक है वैसे ही uh, मेरा भी एक बुक उसके पास है वैसे वी डू इट मोर ऑफन मुझे मुझे अच्छा लगता है सो द मिड नाइट लाइब्रेरी ये भी मैं इस साल पढ़ने वाली हूँ इट इज़ इन मै टू बी रेड लिस्ट द नेक्स्ट बुक इज ज़ीरो टू वन मैंने अब तक इसे स्टार्ट नहीं करा है अभी तक इसको मैंने स्टार्ट नहीं करा है मुझे लगता है ये ये सॉर्ट ऑफ बिजनेस रिलेटेड बुक है जितना मैंने कहीं से पढ़ा था टू बिल्ड योर सर टू बिल्ड योर ओन एम्पायर आई डोंट नो नोट्स ऑन स्टार्टअप है हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मैं सही में चाहती हूँ कि इसको इसको मैं पढ़ूँ और इस, इसमें जो जितना ज्ञान है ना मैं अपने अंदर लाने की कोशिश करूँ उसका एटलीस्ट वन परसेंट लेट्स क्या होता है बट आई एम प्लानिंग टू रीड दिस बुक दिस द नेक्स्ट बुक इज अगली लव स कॉल इन एवर इनकी पहली बुक इनकी, मतलब इससे पहले जो बुक पढ़ा था मैंने वो था इट अस दो दिन में मैंने वो खत्म किया दो दिन मैक्सिमम तो दो दिन लगेंगे वरना एक सेटिंग में ये ये बुक्स खत्म होते हैं ये अब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है मुझे पता है जब स्टार्ट, so स्टार्ट करती हूँ तो ये मोस्टली इसको मैं फेबर में ही पढ़ूंगी फेबर इज बट आई गोना रीड अगली लव फेबर द नेक्स्ट बुक इज The Silent Patient, इसको अब मैंने स्टार्ट किया है किया है एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है पर थोड़ा सा ही स्टार्ट किया ये बहुत ही मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ बुक है देखो यहाँ पे आ, पेज नंबर ट्वेल्व में है मेरा बुक मार्क अभी ये हम फेबर में पढ़ेंगे क्योंकि जनवरी खत्म होने वाला है और जनवरी के दो बुक्स ये है मेरे लिए द फर्स्ट बुक इज सच कहू तो बाई नीना गुप्ता टू बी ऑनेस्ट इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग एक्टर या फिर अगर आप इंडस्ट्री को थोड़ा जानना चाहते हैं यूं ही uh, हवे में कमेंट मारने से पहले र्यूमर्स को सच मान के कुछ भी बोलने से पहले ये ये तो ये करती होगी ये तो वो करती होगी वो लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि उनके लाइफ में कुछ भी चल रहा है और आप उनको जानते नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बोलो वो सच होगा मुझे कटकती है मुझे खटती है ये बात जब लोग एक्टर्स के लाइफ को अच्छे से जान जाने वगैरह यूं ही बोलते हैं अरे ये तो ये करता होगा अरे ये तो वो करता होगा इसका तो ये बुरी आदत है इसकी तो वो बुरी आदत है फिर उन्हीं की फिल्में लगती है और आप ही लोग जाके देखते हो इफ यू रिस्पेक्ट दम एज एन एक्टर डू रिस्पेक्ट दम एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो उनकी भी कुछ पर्सनल लाइफ होती है कुछ प्रोफेशनल लाइफ होती है मेनटेन करना आसान नहीं होता एक काम से दो काम करने को कहो तो हम मेंटेन कर नहीं कर पाते और फ्री में ज्ञान बांटते रहते ये ये करता होगा वो वो करता होगा अरे मैंने मैंने देखा था वो ये होता तुमने कब देखा गए हो मुंबई देखा है वो ये करते हैं रेड हैंडेड पकड़ा है पिक्चर है तुम्हारे पास तुमने खींचा है पिक्चर नहीं ना गाइज ये एक छोटी सी बात है डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज हर एक चीज सच नहीं होती है मुंह मुंह उठाकर कुछ भी यकीन मत करने लग जाओ और र्यूमर मत स्प्रेड करने लग जाओ और डोंट बी द पार्ट ऑफ द र्यूमर उनकी पर्सनल लाइफ है यार तुम जो भी कर रहे हो वो सब कुछ अगर पब्लिक होना लगेगा तुम्हारी जिंदगी क्या होगी वो सोचो उनकी तो इतने करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं उसके बाद भी उनको मतलब कहीं पे खाने को भी जाओ तो लोग खाने को नहीं देते यार मैडम फोटो मैडम फोटो मतलब उनका मूड भी नहीं देखते कि वो कैसे मूड में है इंसान कैसे माइंड स्टेट में है टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते वरना में लग ये चलेगा बहुत लंबा सो मीडिया ने इनके बारे में बहुत कुछ बोला है पहली बार इन्होंने मुंह खोला है थ्रू दिस सच कहूँ तो पढ़ना है पढ़ो बहुत अच्छी बुक है सही में अपना स्ट्रगल अपनी जर्नी उन्होंने शेयर करा है मैं सच में चाहती हूँ कि सारे एक्टर्स ना अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे सो दैट जिन्हें जेन्यनली जानना होगा ना वो थोड़ा तो कुछ जान पाए द नेक्स्ट बुक इज एज मैन थिंक ये मैं अभी पढ़ रही हूँ दिस इज माई सेकेंड बुक ऑफ जनवरी द मंथ ऑफ जनवरी बट ये ना आई थिंक इट्स फॉर बिगनर्स एक तो इतना पतला सा बुक है ऊपर से लैंग्वेज बहुत सिंपल है इफ़ यू वो ना स्टार्ट रीडिंग यू ईवन स्टार्ट विद दिस बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने पढ़ा है वैसा लगता है कि यार ये तो पता है फिर भी लिखा हुआ है पता नहीं लेट्स आई हैव बिग्स्ड ओपिनियन फॉर दिस बट ये मैं ईजिली खत्म कर सकती हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा बुक है तो इतने बुक्स थे जो मेरे पास अभी फिजिकली प्रेजेंट हैं और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ ऑफकोर्स दिस इज फ्रॉम सिम्बा आई स्टाइल बाकी अब मैं पढ़ने वाली हूँ जो बुक्स का नाम मेरे पास जो नहीं है विच आई एम गोना इधर आई एम गोना बाय देम या फिर मैं उन्हें ऑनलाइन में पढ़ूंगी सो द नेक्स्ट बुक इज यू वेर दैट हुई पिक्चर्स यहाँ पे लगा दूंगी यू वेर दैटू देन यू आर नेक्स्ट द नेक्स्ट बुक इज डू ए पिक्श इट एंड गेट गेट अपिक्श इट डन ये दोनों को मैं एक करके कर रही हूँ ये दोनों बुक्स मेरे पास नहीं है मुझे इनके हार्ड कॉवर खरीदने हैं कब खरीदूंगी मुझे नहीं पता द नेक्स्ट बुक इज विच इज आई थिंकटींथ सेवनटींथ बुक द गर्ल इन द ग्लास केस द गर्ल इन द ग्लास केस picture will be popped up here the next is we all should be feminist we all should be feminist this book screams the mera ebook puka this book is calling me so i'm definitely going to buy this book anyways the next book is purple hibiscus purple uh, hibiscus i'm excited read this book because i don't know what is this thing all about purple hibiscus द नेक्स्ट बुक दैट आई रीली मन ऑ रीड एंड सेजल कुमार के एक पॉडकास्ट में मैंने ये सुना था इस बुक का नाम द गिफ्ट ऑफ इन परफेक्शन पिक्चर एंड एम सो एक्साइटेड टू रीड दिस बुक ये मैं डेफिनेटली खरीदने वाली हूँ इसके साथ साथ ना एक और बुक भी है द के ऑस मशीन दिस बुक इज अड प्राइसी या सत्रह सौ अठारह सौ का बुक है वो अगर खरीद सकी तो वो बुक डेफिनेटली पढ़ूंगी आई एम गोइंग टू पॉप ऑफ द पिक्चर ओवर हर द के ऑस मशीन बहुत मने पढ़ने को बाकी लेट्स थिंग इज कीप गोइंग बाय ऑस्टिन क्लियोन कीप गोइंग बाय ऑस्टिन क्लियोन ड्राइव बाय डेनियल प्रिंक देन कांट हर्ट मी इस बुक का जो हार्ड कवर है वो बहुत महंगा है बट इसका पेपरबैक जो है वो 500 है 500 डिश में आ जाता है सो आई एम गोना बाय दिस कांट हर्ट मी द नेक्स्ट बुक इज स्कैटर मी या फिर ट्विस्टेड uh, का जो सीरीज होता है ना चार पांच बुक्स है उसका एक प्रॉपर सीरीज है

आई नो मार्क्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़ मेरे टीचर्स बुरा मत मान जाना मुझे फेल मत करा देना आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल योर एफर्ट्स मैं भी खुद भी पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को पर पढ़ाने के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ सिलेबस के बुक्स के साथ साथ हमें कुछ और भी पढ़ना चाहिए अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड ऑल्सो टोल्ड मी टू एड पाथ फाइंडर का इंटायर सीरीज इम दिस गाइड आई विल ट्राई टू कम्प्लीट दम बट आई विल ट्राई टू कम्प्लीट दम बाकी ये सारी बुक्स को डेफिनेटली हम गो नो ट्राई मैं हंड्रेड परसेंट सो या I'll see you people next time. Till then, keep spreading love, keep smiling. <sighs> Thank you so much for watching this video. I'll see you people next time. Till bye.